सदर सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 175 छात्र छात्राओं को एनेक्सी भवन के सभागार में टैबलेट का वितरण किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लॉन्च की, जिससे छात्रों को अब दूसरे राज्य में पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। उन छात्रों की पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा टैबलेट दिया जा रहा है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी क्रम में गोरखपुर के 175 छात्र व छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया है, इससे छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रचार प्रोफेसर ओपी सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे सहित अभ्युदय योजना के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, कि माननीय सांसद जी को एकल पुष्प दे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उठे माननीय सांसद श्री रविशंकर शुक्ला जी छात्र हैं, वो किसी कारण निजी संस्थानों में कोचिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये कोचिंग अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई। इसके लिए प्रारंभ में हमारे मंडल मुख्यालयों पर शुरू किया गया, बाद में इसे समस्त जिला मुख्यालयों में व्यवस्था की गई। आज गोरखपुर जनपद में दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज में अभ्युदय कोचिंग का संचालन चल रहा है। आप लोग भी प्रथम चरण, द्वितीय चरण जो उपाम द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं कराई गई थी, उसके माध्यम से वहां क्लास लिए हैं, और इन्हीं क्लास जो आप लोग लिए हैं उसके आधार पर और जो उपाम द्वारा मेरिट बनाई गई उसके आधार पर आप लोगों को टेबलेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर श्री संजय मीणा जी, डॉक्टर ओपी सिंह जी, प्राचार्य दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज, उपनिदेशक समाज कल्याण, जिला समाज कल्याण अधिकारी मंचासीन, सभी अधिकारी का और इस देश के फ्यूचर, आप बच्चों, उत्तर प्रदेश के भविष्य, गोरखपुर मंडल के भविष्य, भारत के आप लोग धरोहर, ये बात यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बार कही हर मंच पर, और उनकी मंशा यही है कि हमारे ग्रामीण बच्चों को, छोटे शहर के बच्चों को, छोटे छोटे जिले के बच्चों को कैसे हम लोग देश की गति के साथ इस नए भारत के साथ जोड़ें। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पूज्य महाराज जी की ये योजना है, और ये योजना में आज टैबलेट वितरण कार्यक्रम हो रहा है। महाराज जी के बारे में आप लोगों ने अपने माता पिता से भी सुना होगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के बारे में आप लोगों को पढ़ते भी हैं, डिजिटल पे भी देखते हैं, अखबारों में भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए नए भारत के साथ नया उत्तर प्रदेश की कल्पना उनके मन में एक रचना है, उसमें हमारे देश के विद्यार्थी, हमारे प्रदेश के बच्चे, हमारे प्रदेश के स्टूडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट मुकाम रखते हैं। महाराज जी की जो पीठ है गोरक्षनाथ मंदिर, ये हमेशा एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाया है। एजुकेशन सेक्टर में महाराज जी बहुत बिलीव करते हैं, और मुख्यमंत्री जी का यही है कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, बिकॉज जहाँ पर भी एजुकेशन होता है, जिस भी देश में, प्रदेश में, जिले में, गाँव में, देहात में, वहाँ पर एक नया, एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्रिएटिविटी रहती है हर फील्ड में। तो ये आज जो आप लोगों ने बच्चों, आप लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी होनहार बच्चे हैं, जिन लोगों ने इसको ऑनलाइन भरा, जैसे कि अभी भी हम आप लोगों की जानकारी ले रहे थे कि आप लोगों को ये टैबलेट क्यों दिया जा रहा है और आप लोग का चयन कैसे हुआ, तो आप लोग उसमें काफ़ी अव्वल आए और उसमें से शॉर्टलिस्टेड हुए। तो टुडे वी आर गिविंग, कितने लोगों को आज दे रहे हैं हम लोग, 175
हम लोग 175 बच्चों को आज टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट की कीमत महंगी है। हम लोगों के समय ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी जब मैं पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। लेकिन आज आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पूज्य महाराज जी की सोच, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हमारे बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, मिडिल क्लास बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए ऐसा सोच रही है कि देश भी डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़े हैं। ये टैबलेट का बहुत उपयोग है। इस टैबलेट के साथ आप लोग कनेक्ट रहेंगे वर्ल्ड के साथ, कनेक्ट रहेंगे आप लोग स्मार्ट स्टडीज़ के साथ, ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ, अपने पर्सनल ज्ञान को भी आप लोग काफ़ी बढ़ाएंगे। तो ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं या टैबलेट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे उपाय में इसलिए आते हैं कि आप अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, वहाँ की राजनीति में क्या हो रहा है, वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, या एनीथिंग, अगर आपको पर्सनल एनी प्रॉब्लम हेल्थ की है तो आप गूगल कर सकते हैं। सब कुछ आपको स्मार्टफोन से, एजुकेशन से लेके पर्सनल लाइफ से लेके कंट्री पॉलिटिक्स, राजनीति, ज्ञान, सनातन विचारधारा, जो कुछ जानना है आपको उस टैबलेट के द्वारा मिलेगी। तो ये टैबलेट का उपयोग बहुत पॉजिटिव अच्छा नाम देख लीजिएगा नहीं तो बदल लीजिए। साक्षी पांडे क्या स्मृति सिंह अच्छा इसका इस्तेमाल करिएगा। आभा यात्री बहुत अच्छा इस्तेमाल करिएगा। अरे स्माइल करके जाइए आप। चक्रवर्ती सिंह जब उतना ही इसका इस्तेमाल करिएगा जितना हम बोले हैं समझे आप लोग। आप लोग अच्छा प्रतिभा जी इसका इस्तेमाल करिएगा और बहुत निर्वंदना जी। अच्छा सरिता जी वहाँ देखिए क्या नाम है आपका। आकांक्षा त्रिपाठी अच्छा जी अच्छा सवाल किए थे कंग्रेचुलेशन अमिशा जी। बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम आपका। अच्छे से आप सब मेरी फिल्म देख रहे हैं पढ़ना भी नहीं है अभी। टैबलेट थोड़ा ऊपर दिखाइए। जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसी के पद चिन्हों पर पूज्य महाराज जी चल रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय ये योजना के दौरान जो टैबलेट वितरण है ये बहुत अच्छा हमारे बच्चों को अपग्रेड करेगा। जैसे एप्पल फ़ोन है अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, तो बच्चों के ब्रेन को भी अपग्रेड करने के लिए बहुत ही महंगा टैबलेट इन्होंने दिया। आज 175 बांटा है हम लोगों ने। ऐसे ही बच्चे ऑनलाइन इन्होंने एग्ज़ाम्स दिया था और ये लोगों ने बहुत अच्छा किया था। ऐसे बहुत सारे जैसे पिछली बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोग 10 लाख टैबलेट इस मंडल में 10 लाख फ़ोन स्मार्टफोन बांटे थे, अब ये टैबलेट बांट रहे हैं। तो ये मुझे ये शुरुआत बहुत अच्छी लगी। पूज्य महाराज जी ने एकाना स्टूडियो में इसकी शुरुआत की थी। आज गोरखपुर में 175 टैबलेट हम लोगों ने बांटे तो बच्चों में बड़ा उत्साह लगा। बच्चे इसको इस टैबलेट का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को और अपने ब्रेन को और अपनी दूरदृष्टि को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ये मेरी पूरी उम्मीद है उनसे। कितना कारगर साबित हो रही है बच्चों की पढ़ाई। बच्चों के लिए देखिए ऑनलाइन पूरी दुनिया आजकल फ़ोन पे ही पूरी दुनिया जुड़ी है। आप लोगों को कोई भी जानकारी लेना है आपको गूगल करना है तो ये अपने आप में एक आप किसी वाचनालय में जाते हो, आपके हाथ में अगर स्मार्टफोन है उसी को अगर इस्तेमाल आप सही करते हो तो आप एक हाथ में लाइब्रेरी लेके घूम
रहे हो, दुनिया की लाइब्रेरी, हर भाषा की, हर दिशा की, हर कन्फ्यूजन की एक लाइब्रेरी है। तो आप अपने एजुकेशन में अपने आप को बहुत वर्ल्ड के अच्छे किसी भी बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। हमारे बच्चे आज IIT में पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, नंबर वन हैं, साइंस में हम लोग आगे हैं, तो मुझे लगता है हमारे गोरखपुर के बच्चे बहुत आगे जाएंगे।